नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका जीएन भारत में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुरादाबादी मैदान के समक्ष, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि विरोध महारैली जो है मसीही समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। हालांकि मैं बताती चलूँ कि छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी है, मसीही समुदाय के लोगों को, जो असामाजिक तत्व के लोगों ने जो चर्च पे जाकर पीटा, उसको लेकर के उन लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सुना कि ये नफरत की दुनिया जो लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, इनसे जो है लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही हमारे साथ आम लोग भी मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे। यहाँ पे महिलाएं मौजूद है, हम महिलाओं से बात करेंगे। कहेंगे आप लोग की तरफ से महा विरोध रैली जो है निकाली गई है, आप लोग के साथ इस तरह का रवैया जो अपनाया जा रहा है। देखिए, ईसाई समुदाय शांति प्रिय समुदाय, ये किसी से लड़ना भी नहीं चाहता है। हम शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, संविधान के तहत हम लोग जीना चाहते हैं, संविधान के तहत हम लोग करना चाहते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं है, पर अगर हम पर कोई हम पर आरोप लगाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो आपसे ये कहना है, विरोध महारैली जो है ये यही है कि हमारे ईसाई समुदाय पर जो प्रहार हो रहा है, हमारे चर्चों को जो तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को जो तोड़ा जा रहा है, हम पर धर्मांतरण का जो आरोप लगाया जाए बेबुनियाद है। इस प्रकार हमारे जो हमारे ऊपर जो जो जुल्म हो रहा है, ये बात उस उनके खोज की जाए, उनको सजा दी जाए, यही संविधान सरकार से क्या अनुरोध करते हैं, शांति अपनाया जाए, शांति रहे, शांति का प्रयास किया जाए, एक दूसरे को लड़ाया ना जाए, पक्षपात ना किया जाए। जैसे कि आपने सुना कि इन लोगों का अब भी यही कहना है कि शांति ये माहौल चाहते हैं, और सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की बातें फैलाई जा रही है, उन्हें वो जल्द से जल्द सजा दे। और ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह की जो शांति माहौल है लगातार बना रहे। जीएन भारत से नेहा की रिपोर्ट। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।